वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंडला अमिता होप यू ऑल आर डूइंग वेल दिवाली का त्यौहार नज़दीक में है और हम घर की तैयारियों में घर को सजाने में नाश्ता तैयार करने में जुट गए हैं तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक सिंपल सा दिवाली लैम्प डेकोरेशन या फिर आप लैम्प डेकोरेशन बोल लीजिए से जो कि आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने वॉल पे डेकोर कर सकते हैं बहुत ही सिंपल डीआईवाई स्टेप से तो चलिए शुरू करते हैं तो जो भी आपके पास स्मॉल uh, बॉक्सेस होंगे जो हमारे जनरली पैकिंग में आते हैं कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं उसमें जो भी बॉक्सेस आते हैं उसका मैंने इस्तेमाल किया है जो जनरली आप लोग फेंक देते होंगे या फिर आप सोचते होंगे ये तो क्या ही काम का होगा तो हमने उससे लैम्प बनाया है जो कि बहुत ही खूबसूरत एंड रिजल्ट दिखता है तो अगर आपके पास स्मॉल बॉक्सेस हैं जैसे मैंने दिखाए हैं वैसा आप बॉक्स ले लीजिए और उसमें इस प्रकार से एक शेप बना लीजिए पेंसिल की सहायता से और ऐसी कटिंग कर लीजिए एक बार आपका शेप बन जाए तो उसे कट करके आप उन भाग निकाल लीजिए और फिर उसके बाद अगर आपके पास वाइट पुट्टी है तो उससे आप इसकी बॉर्डर्स को इस प्रकार से उसको अच्छे से बॉर्डर दे दीजिए तो उससे क्या अच्छी फिनिशिंग आएगी तो मैंने वाइट पुट्टी से जो भी कटिंग की थी जो आप देख रहे हैं ये शेप दिया था उसमें मैंने वॉल पुट्टी लगा के उसको अच्छे से स्मूथ कर लिया था और साथ ही साथ मैंने फिर क्या किया था वाइट कलर पेंट लेके या एक्रिलिक कलर लेके वो लैम्पस को पूरा वाइट से पेंट कर दिया था अब एक लैम्प पे मैं क्या करूँगी जो हमारी कार्डबोर्ड की कतरन है उसको स्क्वायर स्क्वायर शेप में कट करते हुए ये बॉक्सेस को डेकोरेट करूँगी एंड रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आता है देखने में और जब आप इसको वॉल पे लगाएंगे तो बहुत अच्छा लैम्प डेकोरेशन और बहुत अच्छा इसका लुक आता है तो ये देखिए मैंने कार्डबोर्ड की कतरन से इसको पूरे तरीके से इसको अच्छे से कवर कर लिया है तो इस प्रकार से मेरे एक लैम्प की डिज़ाइन तैयार हो गई है फटाफट अब मैं इसमें अपने पसंद का कलर करूँगी मैं इसमें रेड कलर कर रही हूँ आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं तो ये जो भी हमने कतरन जो लगाई है कार्डबोर्ड की उसको मैं सिर्फ रेड रेड कलर से कर रही हूँ और हमने वाइट बैकग्राउंड दिया है तो ये बहुत प्यारा कलर उठ के आ रहा है अंदर चाहे तो आप कोई भी कलर कर सकते हैं मैंने जनरली डार्क कलर लिया है आप चाहें तो ब्लैक करें आप चाहें तो ब्लू करें ये आपके ऊपर है अब हम सेकेंड बॉक्स पे चलते हैं सेकेंड बॉक्स पे भी हमने वाइट पेंट कर लिया था और बॉर्डर्स अच्छे से वाइट पुट्टी से क्ले से आप जिससे चाहें उससे आप बॉर्डर इसकी फिनिशिंग दे सकते हैं जो हमने कट किया है उसके बाद ये बॉक्स पे आप लगाएं फेविकॉल और अगर आपके पास ना कोई भी जो चूड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं या फिर जिसका आपको पहनने का मन नहीं करता या फिर आपको आउटडेटेड लगती हैं तो आप उनको ब्रेक कर लें तोड़ लें आसानी से ग्लव्स या फिर अच्छे से आ, हाथ में ना लगे इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और ब्रेक करके ऐसे बड़े बड़े चंक्स में उनको तोड़ के आप फेविकॉल से उसकी भी आ, एक डिज़ाइन प्रिपेयर कर सकते हैं ये भी बहुत अच्छी लगती है तो ये इस प्रकार से मैंने दूसरी डिज़ाइन लैम्प पे तैयार कर ली है तो ये देखिए अभी ये ऐसी लग रही है और इसके बाद फिर मैं इसमें अंदर भी पेंट कर दूँगी तो ये टोटली आपके ऊपर है आप थोड़ा सा अपने आप डी आई कर सकते हैं थर्ड वाला जो लैम्प है उसमें अगेन मैंने वाइट कलर से पेंट कर लिया है और अंदर आप देखिए फिनिशिंग कितनी अच्छे से बॉर्डर जो विंडो हमने बनाई है लैम्प के अंदर उसमें बहुत अच्छा सा वाइट क्ले से फिनिशिंग दे दिया था तो उसकी हार्श बॉर्डर्स नहीं है तो अगर आप अंदर पेंट भी करेंगे वो देखने में भी अच्छा लग रहा है और अच्छे से इसकी लैम्प की फिनिशिंग भी आई है तो अगर आपके पास क्ले है या फिर वाइट पुट्टी दोनों से आप ये उसको अच्छे से फिनिशिंग कर सकते हैं और अपने पसंद के अनुसार इस पर कलर्स या डिज़ाइन बना सकते हैं तो मैंने तो जो लैम्प्स तैयार किए थे वो मैंने आपको दिखाए कितने ईजली झटपट तैयार हो जाते हैं तो अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे वॉल डेकोर करना है या फिर कुछ डिफरेंट करना है तो ये डी आई वाई लैम्प्स आपके घर की रौनक बढ़ा देंगे इस दिवाली ज़रूर ट्राई करें बहुत सिंपल है और कुछ भी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगते कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं है ईज़ी है और बहुत ही सुंदर लगते हैं जहाँ पे भी रखेंगे बहुत ही बेहतरीन लगेगा तो इस दिवाली आप अपने घर को रोशन करें इन टी आई वाई लैम्प से थैंक यू फॉर वॉचिंग वरला अमीता प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हैप्पी दिवाली